रेवाड़ी में हाईवे की खामी के कारण डुकाटी बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक ऋषभ गुलशन एक विदेशी कंपनी में कानूनी सलाहकार था जो जयपुर से वापस दिल्ली लौट रहा था, जहां रास्ते में जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर के पास सड़क ऊंची नीची होने के कारण बाइक फिसल गई और पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया। आपको बता दें कि देश में रोजाना हादसों में काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिन हादसों का कारण जितनी लोगों की लापरवाही होती है उतनी ही सड़क की खामी भी होती है। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करें तो यहाँ हाईवे की खामियों की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। हाईवे पर जगह जगह गड्ढे, अवैध रूप से बनाए गए कट हादसों का बड़ा कारण रहता है। सोमवार सुबह दिल्ली के लाजपत नगर के रहने वाले ऋषभ गुलशन की सड़क हादसे में जो मौत हुई है उसका कारण भी हाईवे की खामी मानी जा रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर के पास जिस जगह ये हादसा हुआ है वहाँ पर भारी वाहनों के चलने से हाईवे पर ऊंची नीची लाइन बन गई थी, जिस जगह आकर ऋषभ की बाइक फिसल गई और ये हादसा हो गया। ऋषभ गुलशन नाम का शख्स 30 सितंबर को अपने 11 दोस्तों के साथ बाइक पर सवार होकर राजस्थान के उदयपुर गया था, जो सभी काफ़ी महंगी बाइक पर सवार होकर 2 अक्टूबर को वापस दिल्ली के लिए निकले थे, जहां हाईवे पर बावल इलाके में ये हादसा हो गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक हाईवे की मनमानियों के कारण लोगों की जान जाती रहेगी? आखिर क्यों हादसों के जिम्मेवार विभागों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता? उसमें ये बाइक वाले है ना, अपनी बाइकों पे आ रहे थे, जो रेसलिंग वाली बाइक होती है उसमें इनके ऊंचे नीचे रोड होने के कारण वो स्लिप हो गए थे और बाइक से गिर गया था, और पीछे से गाड़ी आने वाली थी उसके ऊपर चढ़ गई, उससे सिर वगैरह फट गए, उसका वारसान बुलाए गए। वारसान बुला करके और उनका जो है पोस्टमार्टम करके और आस वारसान हवाले किए गए, उचित कार्रवाई अमल में लाई गई।